आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी बोलते हैं पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके लिए एक वीडियो है, छोटा सा मैसेज है। चीज़ को बहुत गहराई से समझिएगा अपने अंदर ढाल कर। जो बोलते हैं भैया मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, एक बार अपने आप को ना स्कूल लाइफ में लेकर जाओ। आपको एक एग्जाम्पल नहीं हजारों एग्जाम्पल मिल जाएगा। जो बच्चा स्कूल लाइफ में पढ़ने में कमज़ोर था, लास्ट बेंच में था, जिसको टीचर लोग बोलते थे पढ़ने में कमज़ोर है, आज वो कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा आपके अगल बगल। वो सीए है, सीएस किया है, गवर्नमेंट जॉब निकालकर एक अच्छे पोजीशन पर है। क्या हुआ अचानक उसके साथ? जो बच्चा पढ़ने में कमजोर था, अचानक उसके साथ क्या हुआ कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करोड़ों के भीड़ में से एक एग्जाम निकाल लिया। अचानक क्या हो गया उसके साथ? आपको सोचना पड़ेगा। कुछ हुआ नहीं, वो अपने प्रॉब्लम को समझा, अपने कंडीशन को देखा, मुझे करना क्या है, अपने टैलेंट को पहचाना कि हम कर क्या सकते हैं। अब एक ऐसा एज आ गया है जहां पर आप हर एक चीज समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन कभी आपने अपने लिए नहीं सोचा कि आपकी काबिलियत क्या है। आप हमेशा अपने आप को निकम्मा प्रूफ करते रह गए दुनिया भर में कि भैया हम पढ़ने में कमजोर है, हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अपने आप को निकम्मा, नकारा साबित करने में लग गए अपने हाथ से। वो एक होता है कि दुनिया बोलती है, लेकिन दुनिया तो बोल ही रही है, साथ साथ आप भी अपनी कमी को दिखा रहे हो कि हम निकम्मा है, निकारा है। कैसे बोल रहे हैं इस चीज को? इस चीज को अलग तरीके से बोल रहे हैं। कान ऐसे भी पकड़ा जाता है, कान ऐसे भी पकड़ रहे हैं, लेकिन यही बात को आप कैसे बोल रहे हो? हमसे नहीं होगा, मेरा मैथ कमजोर है, हमसे नहीं होगा। अरे जब नहीं होगा तो झूठ मूठ का अपने मम्मी पापा को, परिवार को सपना दिखाए क्योंकि सरकारी नौकरी करना है। क्यों दिखा रहे हैं? क्यों दिखा रहे हैं? बेचारा उन लोगों की गलती क्या है? अगर आप एक बार फॉर्म फिलअप कर दिए हो तो आपको बस रिजल्ट के बारे में सोचना है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? दुनिया के पीछे पागल हैं। दुनिया क्या कर रही है वो सोच रहे हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यही सब चक्कर में पड़े हैं। एक दिमाग है, हजार टेंशन लेकर आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आपको पहले अपने आप को टटोलना है, आंख बंद कर सोचना है कि मेरे मम्मी पापा ने हमको जन्म दिया है और मैं अपने मम्मी पापा के लिए अनमोल हूं। हर एक बेटा और बेटी अपने माँ बाप के लिए अनमोल होता है। हर एक बाप अपने मम्मी के पास जाना और 10 बच्चों खड़ा कर देना। आपकी मम्मी पता क्या बोलेगी? मेरा बेटा सबसे अनमोल है। ये तो आपके मम्मी और पापा बोल रहे हैं, लेकिन वो अनमोल शब्द, मान लो एक चीज समझना आप सभी, यहां पर 10 गार्जियन, 10 मम्मी खड़ी है, 10 मम्मी खड़ी है, 10 मम्मी खड़ी है, मान लो, दिखाते हैं एक एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मम्मी खड़ी है और 10 मम्मी के बच्चे खड़े हैं, लड़का लड़की सब मिलाकर। सभी से जब पूछा गया, माँ से, माँ अनमोल होती है, सभी से जब पूछा गया उस 10 बच्चों में से अनमोल कौन है आपके लिए, तो ये माँ बोली मेरा बेटा, ये भी बोली मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी, या सबको, सब माँ बाप के लिए उनके बच्चे अनमोल होते हैं। लेकिन उसमें से एग्जाम 1 निकाला है, एग्जाम 2 निकाल रहा है, 3 निकाल रहा है, बाकी नहीं। तो ये आपका कर्तव्य नहीं बनता है, फर्ज नहीं बनता है कि अपने माँ बाप को भी ये प्रूफ कर पाए उनकी बातों को कि बिल्कुल माँ, आपका बेटा चाहे बेटी जो है वो अनमोल है। आपको ना बहुत शॉर्ट तरीका बता रहे हैं लाइफ में करना क्या है, इसको आप फॉलो करना। बहुत शॉर्ट तरीका है, करना क्या है बस सुन लो, और 2 महीने के बाद ना मुझसे आकर मिलना। बहुत जो तरीका है ना वो बहुत छोटा है, और आपको लाइफ में कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, बस एक हल्का सा तरीका करना है। वो क्या है सुन लो। आपको करना क्या है, सुबह उठते हैं ना, 24 घंटा आप सभी के पास है, आपको दुनिया का टेंशन नहीं लेना है। पहला बात, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, सबको उठाकर भाड़ में डाल दो। भाड़ मतलब कूड़ेदान में। किसको किसको? जितना भी रिलेटिव है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दुनिया का जितना भी टेंशन है। आप बहुत जन सोच रहे होंगे मैं दुनिया को समझाना है, मैं सही हूं, ये है, वो है, हलाना फलाना ठिकाना, सबको एक बार उठाओ और डाल दो कहां पर? भाड़ में। कहां पर? कूड़ेदान में। अब दिमाग खाली, बस ये 2 महीना करो। अपने आप को बोलेंगे भैया बहुत लाजवाब तरीका था। अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग में बस 2 इंसान को रखना है। किसको किसको? अपने मम्मी और पापा को। अब आप सोचो डेली, अब देरी सोचो, इनके लिए मैं बहुत अनमोल हूं, अब मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं। इतना बड़ा शरीर हो गया है, दिमाग है, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी जॉब मेरे पास नहीं है, क्या कर सकते हैं भैया, तब आपके पास से ना एक रास्ता निकल कर आएगा। आप सोचेंगे फॉर्म फिलअप किए हैं, रिजल्ट निकालना है, अब आप हमेशा इसके बारे में सोचेंगे, रिजल्ट निकालना है, क्या करना है आगे, बस उनके लिए कुछ करना है मुझे, और किस इनके लिए बस करना है और किसी के लिए नहीं। दुनिया सो रही है, हम नहीं सोएंगे, क्यों, हमको रिजल्ट निकालना है। सुबह हो गया, खाना खा लिए, पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट निकालना है, कुछ काम नहीं है। शाम हो गया भैया, शाम को खेलने नहीं जाना है, क्या करना है, रिजल्ट निकालना है, क्योंकि मेरे लिए बस एक जन का सपना है, मम्मी पापा का। दुनिया, जब आप इतने बड़े हो गए हो, आप सभी बचपन से इतना बड़ा हो गए, तो नो डाउट जाहिर सी बात है एक दिन अंतिम स्टेज पर, जिंदगी के अंतिम स्टेज पर बेड पर भी पड़े होंगे बुढ़ापे शरीर को लेकर। यह भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है, और साथ साथ ये भी सच्चाई है आपके मम्मी पापा भी बुढ़ापे में एक बार बेड पर आएंगे। तो आप कितना काबिल अपने आप को बनाना है उस वक्त तक, ताकि मेरे माँ बाप को बुढ़ापे में कष्ट ना हो। ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम कितना काबिल अपने आप को बना सकते हैं ताकि मेरे मम्मी पापा को बुढ़ापे में कष्ट ना हो। ये आपको सोचना है, वरना एक तरीका यह है जिंदगी जीने का, एक तरीका यह है आप दुनिया का टेंशन लेकर जी रहे हैं, उसको समझाना है मैं गलत नहीं हूं, या उसको समझाना है वो भी मेरे बारे में गलत सोच रहा है, वो भी गलत सोच रहा है, उसके लिए हम कभी गलत नहीं किए, फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड हमको गाली दे रही है, यार वो करो, इतना टेंशन लेकर चल रहे हैं, इतना टेंशन। और ये टेंशन पता है क्या है, जिसके लिए आप आज के डेट में इतना सोच रहे हैं ना, जितना सोच रहे हैं, कल आपको वो क्या मारेगा पता है, लात। लिख कर ले लेना, जित्तू भैया कुछ बात बोले थे, समय पर समझ में नहीं आता है, एक दिन आपको वो लात मारेगा। क्या मारेगा, मेरे साथ बोलो, हम लात खाएंगे एक दिन। अब बोलो, जिसको टेंशन लेकर चल रहे, आप देख लेना, आप देख लेना, आपको एक दिन वो लात मारेगा। और फिर उस दिन आप बैठकर रोना, बैठकर आप रोना, जिसके लिए हम इतना कुछ सोचे, इतना कुछ समझे, आज हमको वो गलत बोल रहा है। अब टेंशन में है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान भगवान हम कितना अच्छे थे यार, ये जो अच्छे जो काम कर रहे हैं ना, रोने धोने का, ये आप अपने जिंदगी का खुद जिम्मेवार है, अपने लाइफ से अपना कहानी लिख दिए हैं। ये जो किस्मत अपना लिखवाए है ना, बहुत जन बोलता है भैया मेरे किस्मत में नहीं था, किस्मत में था, आपने उसको लात मार दिया, हम अच्छा कर्म करेंगे ही नहीं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, अपने जिंदगी का हम खुद गला घोटेंगे, ये आपने खुद करवाया है, आपके कर्म का फल मिल रहा है कि वो लात मार रहा है। अगर उस वक्त ना आप उसको लात मारते और अपने अपने फ्यूचर पे सोचते ना, तो एक दिन वो भी आपके सामने आकर हाथ मिलाता इज्जत से, अरे क्या बात है, वो पढ़ लिया, बस 2-3 महीना करना है, अपने परिवार को लेकर अब तैयारी करो, क्योंकि यहां पर थोड़ा पागलपन आपको दिखाना पड़ेगा, ये आप कर क्या सकते हो, ये सोचना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो। कुछ नहीं है ना। अब बहुत जन बोलेंगे भैया एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए हैं, देखो एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए हो, एग्जाम नहीं हो रहा है, 1 साल बीतने वाला है, एग्जाम तो बहुत जल्द होगा ही, ये तो कंफर्म है, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद। अब एक बात समझ लेना, जो 12 महीने से आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर अभी आप अपना तैयारी रोक देते हैं तो कहीं ना कहीं उस 12 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो मत रोकना, जहां 1 साल बर्बाद किए और 2-3 महीना पूरे लगन के साथ इतना जान लगा दो, और बस अपने मम्मी पापा के लिए और किसी के लिए नहीं, और किसी के लिए नहीं भाई। टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये पल पल भर का खुशी है, कुछ पल का। अगर आपको ना देख लो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, दोस्त, मस्ती, घूमने फिरना, ये सब ना भाई जवानी के कुछ पल को खुशी देगा। कितने दिन भैया, एक ज्यादा से ज्यादा 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल बहुत अच्छा लगेगा दुनिया का। 2 साल के बाद ना आप अपने आप को इतना कमजोर महसूस करेंगे, और ये आप ना अपने आप को खोखला बना दिए। बहुत आदमी क्या कर रहा है, सिगरेट पीता है, पता नहीं चलता है सिगरेट जब पीता तो, लेकिन दिन पर दिन सिगरेट पीते 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 अपने आप को अंदर से खोखला कर रहा है। उसी तरह आप ये सब काम करते 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 अपने आप को बर्बाद करने में आपका खुद का हाथ है। 2 साल आपने बहुत शिद्दत के साथ अपने आप को बर्बाद किया है, अपने आप को बहुत शिद्दत के साथ 2 साल में अपने आप को बर्बाद किए हैं। तो अब करेगा कौन? आप करो, भरेगा कौन? करेगा कोई और, अब भरेगा कोई और। ये तो दुनिया का नियम है नहीं भाई, तो भरना भी आपको पड़ेगा। और उस समय आप बस एक ही बात बोलेंगे, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम तो इतने अच्छे थे, अच्छाई गया तेल लेने, अच्छाई गया तेल लेने। आज के डेट में पैसा सब कुछ है भाई, मानो या ना मानो पैसा सब कुछ है, नहीं भी होकर पैसा सब कुछ है, तो उसके पीछे पागल बनो। कैसे आ सकता है, क्या करेंगे? गलत काम नहीं, पढ़ाई के मामले में अपने परिवार को देना है, ये आपको सोचना पड़ेगा अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। वरना जिंदगी का टेंशन लेते रहो, एक दिन आपको ये जिंदगी लात मार देगी। और एक बात सुनते जाइएगा, अगर जो आज आप कर रहे हो, आपको महसूस हो रहा होगा ना इस उम्र में आकर कि पापा का बहुत सारा बात जो है वो अब सही लग रहा है, जो पापा का बात एक समय हमको गलत लग रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं पापा का हर एक बात हमको सही लग रहा है। सभी को लगता है ये बात, सभी को लगता है। तो एक बात सुनना, उनके लिए कुछ करना है। क्यों करना है भैया? आज अगर उनके लिए कुछ करेंगे ना तो कल मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा। अगर आज आप अपने मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं किए और कल जब आप बाप बनोगे ना, माँ बनोगे ना, मेरा बेटा मेरे लिए अनमोल है, मेरा बेटा मेरे लिए अनमोल है, मेरा बेटा मेरे लिए करेगा। अरे आप भी किसी के लिए अनमोल थे, आप क्या किए? आप क्या किए? कुछ नहीं किए। उनका दिया हुआ इतना अनमोल जिंदगी भी फालतू का काम सोच सोच कर जिंदगी बर्बाद कर दिए। ना खुद चैन से रहे, ना किसी और को चैन से जीने दिए, ना अपने माँ बाप को खुशी दिए। अब आपका जब बेटा हुआ है, बेटी हुई है, तो आपको बहुत सारा सपना है कि मेरा बेटा करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा? आपने कुछ अच्छा किया होगा ना अपने माँ बापा के साथ, तो आपका बेटा क्यों करेगा? बताओ क्यों करेगा आपका बेटा बेटी? इसीलिए जो आज करेंगे कल उसके बारे में सोच सकते हैं। आज पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो रिजल्ट के बारे में सोच सकते हैं। झूठी सपने देखना बंद करो कि फॉर्म फिलअप कर दिए एग्जाम निकल जाएगा। फॉर्म फिलअप करने से एग्जाम नहीं निकलता है, बस फॉर्म फिलअप करना सीख जाते हैं। यह सच्चाई है। अगर एग्जाम निकालना है तो पागलपन दिखाना है एग्जाम के प्रति। क्या कर रहे हैं यार, दिन पर दिन 24 घंटा है आपके पास, डेली 24 घंटा आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। क्या कर रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हैं? समझो, अभी बहुत टाइम है। अपने आप को पहचानो, टटोलो अपने आप को कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो बंदा स्कूल लाइफ में कमजोर था आज वो एग्जाम निकाल सकता है, तो हम भी तो कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं ना। आप मेरे मैथ के वीडियो देखना, आप पहली बार सवाल देखोगे ना तो आप पक्का ये बोलोगे हमको नहीं आता है, हमको नहीं आता है। लेकिन समझाने के बाद ना आप बोलेंगे भैया इजी था। क्या हुआ? क्या हुआ? जो पहले बोल रहे थे कि नहीं आता है, अब क्यों बोल रहे हो कि आ गया? यानी कहीं ना कहीं आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपको हराम का नौकरी लेने का लत है। आप मेहनत, जिस दिन आप मेहनत करना सीख जाएंगे ना, जिंदगी का असली मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते चले जाओगे और आप वैसे रास्ते पर चलने लगेंगे ना जहां से आप एग्जाम निकाल सकते हो। आपको उस रास्ते पर पहले पकड़ना है और उस रास्ते को पकड़ने के लिए पहले मेहनत करना है। समझना है अपने आप को कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। फॉर्म फिलअप किए तो एग्जाम निकालना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, मैं बोल के आ रहा हूं? चीज को टटोलिएगा अपने आप को। सब कर सकते हैं, सबके अंदर टैलेंट है, वरना उसी भीड़ में आप खो जाएंगे जिस भीड़ में दुनिया खोई है। समझ रहे हैं ना? चलिए।